सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम टरबाइन। आज की वीडियो में हम लोग जो स्टीम टरबाइन का जो कंपोनेंट्स होता है, जो पार्ट्स होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। नॉर्मली आप नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान स्टीम टरबाइन को देखे होंगे तो वो आपको पूरी तरह से इंसुलेटेड मिलेगा, जहाँ पर आपको कई सारे जो पार्ट्स है वो आपको नहीं दिखेंगे। लेकिन जब कभी स्टीम टरबाइन आपको खुला हुआ देखने को मिला होगा तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि कई सारे जो पार्ट्स होते हैं वो वहाँ पर लगे होते हैं। तो ये पार्ट्स क्या होते हैं, क्यों लगा होता है, क्या इसका फंक्शन होता है, इन्हीं सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हर एक पार्ट्स को हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक बने रहें, काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। और यदि आप इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो कंपोनेंट्स ऑफ स्टीम टरबाइन, तो देखिए ये एक बेसिक डायग्राम है स्टीम टरबाइन का, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स यहाँ पे लगे होते हैं स्टीम टरबाइन में, उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। साथ में जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर जो इमेजेस आएंगे या जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसका जो डिटेल आएगा उसको भी आप देखते रहिएगा, उससे भी आपको काफ़ी कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें इस स्टीम टरबाइन को, तो अब आप देखेंगे तो टरबाइन आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। ओके, अब देखिए ये जो स्टीम टरबाइन का जो ये आउटर वाला जो जो आप कवर देख रहे हैं, ठीक है, जिससे आपका जो रोटर्स होते हैं, जो ब्लेड्स होते हैं वो ढका होता है, उसको हम लोग कहते हैं केसिंग। ओके, अब ये केसिंग जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। जब कभी इसे अगर खोला जाता है तो ये अपर वाला पार्ट तो अलग हो जाता है और नीचे वाला अलग हो जाता है। तो अपर वाले को या तो टॉप केसिंग बोलेंगे या अपर केसिंग बोलेंगे, लोअर वाले को लोअर केसिंग कहा जाता है। ये जो केसिंग होता है इसको कास्टिंग प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है और ये जनरली क्रोमियम मोलिब्डेनम एलॉय स्टील का बना होता है। यही जो आपका केसिंग में आपके जो फिक्स ब्लेड होते हैं और जो नोजल होते हैं वो अटैच किया हुआ रहता है, और जब ये कास्टिंग के प्रोसेस के दौरान बनाया जाता है तो उसी दौरान जो भी इनसे इंस्ट्रक्शन निकलने वाले हैं या जो ड्रेन्स वगैरह होता है उसको डिजाइन कर लिया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। तो देखिए टरबाइन के बीचों बीच आपको एक ब्लैक कलर का ये जो आपको लाइनिंग दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं शाफ्ट या रोटर, यही टरबाइन का रोटर कहलाता है, और इसी के ऊपर जो आपका मूविंग ब्लेड है वो अटैच किए रहते हैं। साथ में इसमें जो इंटर स्टेट जो आपके लेवरेजिंग सीलिंग होता है वो होता है, और इसमें आपके जो ये थ्रस्ट कॉलर जो होता है वो लगा होता है, ठीक है, इसी में ये अटैच किया हुआ रहता है। तो थ्रस्ट कॉलर क्या होता है उसको हम लोग अभी आगे डिस्कशन करेंगे। बाकी ये रोटर के बारे में अगर बात करेंगे तो रोटर आपका टरबाइन का सबसे हेवीएस्ट पार्ट होता है और ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस सहने वाला पार्ट होता है। इसी रोटर के मदद से स्टीम से हम लोग वर्क को स्टैक करते हैं, यानी जो हम लोग स्टीम से जो वर्क लेते हैं वो इसी रोटर के द्वारा आपका मिलता है। इसी रोटर में देखेंगे तो एक बायरिंग डिवाइस लगा होता है जिसको हम लोग टर्निंग गियर कहते हैं। इसका काम यह होता है कि जब टर्बाइन हमारा हॉट कंडीशन में शट डाउन किया जाता है या बंद किया जाता है तो उसको एक स्लो आरपीएम में रोटेट करवा सके, ताकि हमारा जो टर्बाइन कूलिंग हो तो वो यूनिफॉर्म तरीके से हो। देखिए हमारा टर्बाइन जो होता है वो काफी क्रिटिकल इक्विपमेंट होता है, तो इसमें जो भी थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका जो रोटर है वो स्पीड से आपका कॉन्ट्रैक्शन हो जाए या एक्सपेंशन हो जाए और केसिंग ना हो, तो इसे बराबर रखा जाता है, एक समान रखा जाता है, ताकि जो भी इसमें पार्ट्स लगे हैं वो अपने पोजिशन पर रहे, वो आपस में टकराए ना। ओके, तो इसलिए इस थर्मल एक्सपेंशन का काफी ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। इस रोटर में आपके बैलेंसिंग पिस्टन भी लगे होते हैं जिसके मदद से जो टरबाइन में एक्सियल थ्रस्ट उत्पन्न होता है उसको मिनिमाइज किया जाता है। एक्सियल थ्रस्ट को मिनिमाइज करने के लिए थ्रस्ट बियरिंग का भी यूज किया जाता है, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी देखिए अगर इस रोटर का बात करें कि कैसे बनाया जाता है, तो इसको फोर्जिंग मेथड के द्वारा बनाया जाता है, और अगर इसमें मटेरियल के बारे में बात करें तो मटेरियल यदि इसका अगर देखेंगे तो क्रोमियम मोलिब्डेनम और वनेडियम स्टील का बना होता है। इसका जो परसेंटेज होता है वो टरबाइन के डिजाइन कैपेसिटी और स्टीम पैरामीटर को देखते हुए बनाया जाता है। तो ये हो गया टरबाइन रोटर के बारे में। अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट पार्ट, ये जो मूविंग ब्लेड है और जो फिक्स ब्लेड है। तो इस रोटर को आप देखेंगे तो यहाँ पर आप जो ब्लैक कलर का जो लाइनिंग दिख रहा है ये क्या है, ये मूविंग ब्लेड है, और जो ये केसिंग के साथ जुड़ा हुआ जो ये आपको लाइनिंग ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपका फिक्स ब्लेड है, ठीक है। ये आपका जो टरबाइन है यहाँ पर हमने जो मल्टी स्टेज स्टीम टरबाइन को दिखाया है जो कि सिंगल सिलेंडर है, इसको इस ब्लेड को हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला जो होता है वो होता है एचपी, यहां पे बीच में आपको कुछ पोर्शन मिलेगा वो होता है आईपी, और जो ये लास्ट में आपको कुछ पोर्शन दिखेगा
वो होता है एलपी, ओके, यानी कि यहाँ पर जो ब्लेड्स होंगे वो इंपल्स ब्लेड होंगे, यहाँ पर जो होगा वो इंपल्स प्लस आपका रिएक्शन होगा, और यहाँ पर जो ब्लेड्स होंगे वो रिएक्शन टाइप होंगे। जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का स्टीम हमारे बॉयलर से आता है तो ईएसवी और कंट्रोल वाल्व से गुजरता है और यहाँ पर नोजल के थ्रू यहाँ पे स्टीम चेस्ट पे आता है और यहीं से आपका जो मूविंग ब्लेड पे यह आके इंपल्स करता है, जिसकी वजह से ये टर्बाइन जो होता है वो रोटेट करता है। तो हमारे मूविंग ब्लेड में जो स्टीम का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो आपका यूटिलाइज होता है और प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, ओके। साथ में अब जो ये आपका फिक्स ब्लेड आप देख रहे हैं ये क्या करता है, ये स्टीम को एक्सपेंशन होने में मदद करता है, साथ में एक गाइड के तौर पे यहां पे ये वर्क करता है ताकि स्टीम को एक गाइड मिल सके, ताकि ये मूविंग ब्लेड पे अच्छे से स्ट्राइक कर सके, ताकि हमको वर्क जो है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। और यही स्टीम जब आगे की ओर पहुंचती है तो लास्ट में आपके रिएक्शन टाइप ब्लेड होते हैं जहां पर स्टीम का प्रेशर एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, साथ में वहां पे वेलोसिटी भी रिड्यूस होती है, ओके। अब देखिए अगर इस ब्लेड के बारे में अगर बात करें तो ब्लेड में आपका सीलिंग प्रोवाइड किया रहता है, ये अगर फिक्स प्लेट आप देखेंगे तो यहां पर आप एंड में देखेंगे तो यहां पर आपका सीलिंग होगा, साथ में यहां पर ये मूविंग ब्लेड देखेंगे तो यहां पर आपको श्राउडेड किया हुआ मिलेगा। लास्ट स्टेज में जो आपके रिएक्शन टाइप के ब्लेड होते हैं तो उसमें आपको लाइंसिंग वायर या आपको डंपिंग वायर दिखेगा, ठीक है, जो कि टर्बाइन के ब्लेड को पूरा बांधे हुए रहता है, ओके। तो इन सब का काम क्या होता है कि हमारा स्टीम, देखिए हमारा अगर क्या होगा कि अगर ये आपका सीलिंग नहीं रहेगा तो स्टीम क्या होगा, ये आसानी से यहां से लीकेज होकर पास हो जाएगा तो हमको टर्बाइन में वर्क नहीं मिलेगा, जिससे टर्बाइन की एफिशिएंसी जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हमारा टर्बाइन का एफिशिएंसी बरकरार रहे, आपका एफिशिएंसी मिलता रहे, इसलिए इससे जो होता है वो सीलिंग कर दिया जाता है। ये आपका जो फिक्स ब्लेड आपको देखेंगे तो यहां पर लेवरेजिंग सीलिंग का यूज किया जाता है, जिसको अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, और यहां पर जो आपको मूविंग ब्लेड दिख रहा है इसको सराउंडेड कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि कवर कर दिया जाता है। और लास्ट स्टेज में देखेंगे तो आपका यहां पर लांसिंग वायर का यूज किया जाता है। इससे फायदा क्या होगा कि एक तो आपका ये पूरा सीलिंग प्रोवाइड करवा देगा, साथ में आपका टर्बाइन ब्लेड को एक रिजिडिटी मिलेगा और स्टीम लीकेज नहीं होगा और टर्बाइन में आने वाले जो वाइब्रेशंस होते हैं उससे भी वो रिड्यूस होता है। अब देखिए जो मूविंग ब्लेड होते हैं वो एक पार्टिकुलर ग्रुप्स और रूट के द्वारा इस रोटर पे अटैच किए हुए रहते थे। तो पहले के समय में जो आपके टर्बाइन होते थे वो इसी रोटर के ऊपर जो ब्लेड्स होते थे वो अटैच किए हुए रहते थे। तो होता क्या था, जब कभी आपका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का स्टीम यहाँ पे इंपल्स करता था, स्ट्राइक करता था, तो यहाँ पर चूंकि हाई स्ट्रेस की वजह से ये क्या होते थे, डैमेज होने के, टूटने के चांसेस होते थे और एक भारी एक्सीडेंट भी होने का चांसेस होता था, ठीक है, तो वो काफी डेंजरस हो सकता है। इसलिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी तो यहां पर इसको और मॉडिफाई किया गया। अभी के समय में जो आपका टर्बाइन यूज किया जाता है तो वहां पर यदि आप रोटर को देखेंगे तो उसमें आपका यहां तक जो होता है वो डिस्क रहता है, ठीक है, तो इसको इस तरह से फोर्स किया जाता है, फोर्जिंग मेथड से बनाया जाता है कि आपका यहां तक पूरा जो होता है वो डिस्क के साथ ही इसको मैन्युफैक्चर कर लिया जाता है और यहां पर आपके रूट्स दिए होते हैं जिसके मदद से यहां पर जो मूविंग ब्लेड है उसको अटैच कर दिया जाता है, ओके। तो इससे टर्बाइन में जो आने वाला जो स्ट्रेस था उसको ये आसानी से सह लेता है और हमारा ब्लेड जो होता है वो डैमेज होने से बच जाता है, ओके। अब अगर इस टर्बाइन ब्लेड के मटेरियल के बारे में बात करें कि किस मटेरियल का अगर ये बना होता है तो ये होता है क्रोमियम निकेल स्टील का बना होता है, ओके। और ये डिपेंड करता है कि टर्बाइन का डिजाइन कैपेसिटी और स्टीम का पैरामीटर क्या होता है, तो उसी के अनुसार इसके जो परसेंटेज होते हैं वो डिसाइड होते हैं। तो ये हो गया मूविंग ब्लेड और फिक्स ब्लेड के बारे में। अब आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। तो देखिए उससे पहले हम लोग जानते हैं कि इस टर्बाइन में हाई रोटेशन के लिए हम लोग हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाला स्टीम जो है वो यूटिलाइज करते हैं, जिससे इस टर्बाइन पे एक थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है, एक लोड मिलता है, ठीक है। और ये लोड जो होता है वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रेडियल लोड और एक होता है एक्सियल लोड। अरे कहना क्या चाहते हो, एक्सियल लोड किसको बोलेंगे, जब इस शाफ्ट के एक्सिस के अलोंग जो लोड लगता है, ये शाफ्ट हो गया और ये इसका एक्सिस हो गया, तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में जो लोड लगेगा उसको एक्सियल लोड कहेंगे और इसी शाफ्ट के परपेंडिकुलर जो लोड लगता है यानी ऊपर नीचे, तो उसको कहा जाता है रेडियल लोड। और इस लोड को रिड्यूस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग बियरिंग का यूज करते हैं। बियरिंग के मदद से हमारा जो टर्बाइन होता है वो स्मूथ ऑपरेट होता है, साथ में जो इसमें लगने वाला जो लोड होते हैं वो उसको रिड्यूस किया जाता है। तो जो आपका रेडियल लोड होता है उसको जनरल बियरिंग के द्वारा रिड्यूस किया जाता है और जो एक्सियल लोड होता है उसको थ्रस्ट बियरिंग के द्वारा रिड्यूस किया जाता है। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जनरल बियरिंग के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जनरल बियरिंग टर्बाइन के फ्रंट और रियर दोनों साइड आपके लगे होते हैं। इस जनरल बियरिंग में आपको ऑयल को प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारा जो टर्बाइन का जो शाफ्ट है वो पूरा रोटेट रहे। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये आपका बेबिट मटेरियल का बना होता है और इसी के ऊपर आपका जो ऑयल आता है उसका एक फिल्म, एक लेयर बन जाता है, ठीक है। और इसी ऑयल के फिल्म के ऊपर आपका जो शाफ्ट होता है वो रोटेट करता है, यानी कि हमारा टर्बाइन का जो आपका जो शाफ्ट का जो मटेरियल होता है रोटर का और जो ये आपका
जो इसका जो मटेरियल होता है बियरिंग का, ये आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं, इसके बीच में एक ऑयल का लेयर रहता है जिसको ऑयल फिल्म कहा जाता है, और इस ऑयल का एक निश्चित टेम्परेचर और निश्चित प्रेशर जो होता है वो मेंटेन किया जाता है ताकि इसकी जो क्वालिटी है, जो उसकी विस्कोसिटी है, वो बरकरार रहे। ओके, तो ये हो गया जनरल बियरिंग के बारे में। अब हम लोग समझते हैं थ्रस्ट बियरिंग के बारे में। तो थ्रस्ट बियरिंग हम लोग जिसे देखें कि थ्रस्ट बियरिंग क्या है, एक्सियल लोड को वो रिड्यूस करता है। तो जब कभी हम लोग हाई प्रेशर का स्टीम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर हाई प्रेशर और यहाँ पर है लो प्रेशर, तो ये टर्बाइन का रोटर क्या है, आगे खिसकने की कोशिश करेगा, और जैसे ही लोड हम लोग रिड्यूस करेंगे तो ये पीछे आने की कोशिश करेगा। तो ये जो एक्सिस के अलोंग जो लोड लगता है इसको हम लोग एक्सियल लोड कहते हैं, और इसको रिड्यूस करने के लिए थ्रस्ट बियरिंग का यूज किया जाता है, और यहीं पे आपका थ्रस्ट कॉलर होता है। इसी के मदद से हमारा टरबाइन जो होता है वो ना ही ज्यादा आगे जा सकता है और ना ही ज्यादा आपका पीछे जा सकता है। ओके, देखिए ये कैसे काम करता है। तो जैसे ही हमारा जो रोटर है वो आगे की ओर तरफ जाएगा तो इसमें जो आपके पैड्स या जो शू लगे होते हैं वो इस कॉलर से आके टकराते हैं, और इसके बीच में भी हम लोग ऑयल का यूटिलाइज करते हैं, यानी कि इनका जो मटेरियल होता है और इनका जो मटेरियल होता है वो आपस में मटेरियल कॉन्टेक्ट नहीं होता है, इसके बीच में एक ऑयल फिल्म बन जाता है जिसके मदद से ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं रहते हैं। ओके, किसी कारण से अगर ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए तो ये जो आपका जो शू होता है या पैड होते हैं वो भी बेबिक मटेरियल के बने होते हैं, और एक निश्चित टाइम के बाद जब भी ये घिस जाते हैं तो इनको रिपेयर या चेंज कर दिया जाता है। तो ये हो गया थ्रस्ट बियरिंग के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट समझते हैं ग्लैंड के बारे में। तो देखिए ग्लैंड क्या होता है, तो हमारा जो ये रोटर होता है वो एक केसिंग के अंदर हाई स्पीड में रोटेट कर रहा, तो ये रोटर का वो पार्ट जहां पर हमारा केसिंग के जस्ट बाहर होता है तो उस पार्ट को हम लोग ग्लैंड कहते हैं। ओके, अब ये चांसेस होता है कि जब हम लोग हाई प्रेशर का स्टीम जब यहां पे यूटिलाइज करते हैं तो हो सकता है यहां पर जो होता है लीकेज हो सकता है, क्योंकि यहां पर लो प्रेशर और यहां पर हाई प्रेशर, और ठीक उसी तरह यहां पर आप देखेंगे तो ये कंडेंसर का ही पार्ट्स होता है जहां से कंडेंसर जुड़े होते हैं, तो यहां पे नेगेटिव प्रेशर होता है, तो बाहर में हाई प्रेशर है और अंदर में नेगेटिव प्रेशर है, तो बाहर का एयर जो होता है वो अंदर इंग्रेस हो सकता है, अंदर जा सकता है, तो इसको एक प्रॉपर सीलिंग दिया जाता है जिसको हम लोग ग्लैंड सीलिंग कहते हैं। जनरली यहां पे लेब्रेथिंग सीलिंग का यूटिलाइज किया जाता है। लेब्रेथिंग सीलिंग क्या होता है, तो ये जस्ट लाइक एक थ्रेड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। ओके, जैसे मान लीजिए हमको इसको सील करना है, तो अगर इसको डायरेक्ट अगर अटैच करेंगे हम लोग तो क्या होगा, स्टीम या एयर जो होता है वो पास हो सकता है, लेकिन इसी तरह को इसको डिजाइन कर दिया जाए इस तरह से कि इसको इस तरह से थ्रेडेड कर दिया जाए कि ये अच्छे से पैक हो जाए, ठीक है, तो इसको कहा जाता है लेब्रीथिंग सीलिंग। ठीक है, तो इसी टाइप का सीलिंग यहां पर यूटिलाइज किया जाता है, और ये और भी अच्छे से सीलिंग हो सके इसलिए यहां पर लो प्रेशर स्टीम का यूटिलाइज किया जाता है। ओके, इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में जो ग्लैंड सीलिंग जो सिस्टम है उसको हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो यहां पर इस तरह से सीलिंग कर दिया जाता है जिससे हाई प्रेशर का स्टीम ना ही यहां से लीकेज होगा और ना ही यहां से एयर जो होता है वो इंग्रेस होगा। ओके, अच्छा, इस टर्बाइन के लास्ट वाला स्टेज देखेंगे तो ये जस्ट कंडेंसर से ही जुड़ा होता है और इसी पोर्शन को एग्जॉस्ट हुड कहा जाता है। ओके, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कंट्रोल वाल्व को देखें कि लोड के अनुसार जितना हमारा स्टीम का रिक्वायरमेंट है वो इसके द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए इसे कंट्रोल वाल्व कहते हैं। और इसके जस्ट पहले आप देखेंगे तो एक ESV होता है, यानी कि इमरजेंसी स्टॉल वाल्व, यानी कि इमरजेंसी कहने का ही मतलब है कि कोई अगर प्रॉब्लम आ गया या एबनॉर्मलिटी आ गया तो हमारे टर्बाइन में स्टीम ना जा सके, इसलिए सडनली जो होता है वो क्लोज हो जाता है। ये फुल्ली ओपन और क्लोज हाइड्रोलिक वाल्व होता है, कोई भी नॉर्मलिटी अगर आता है तो ये आपका ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है जिससे हमारा स्टीम जो है वो इस टर्बाइन में नहीं आता है और हमारा टर्बाइन जो होता है वो सेफ रहता है। ओके, यहां पर आप लास्ट में देखेंगे तो ये फ्लेक्सिबल कपलिंग होता है और इसी के मदद से जो जनरेटर का जो शाफ्ट होता है वो जुड़ा होता है। अगर जनरेटर का RPM और टर्बाइन का RPM अगर सेम रहेगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट कपल कर देंगे, और अगर नहीं टर्बाइन का RPM अगर बहुत ज्यादा है और हमें निश्चित RPM चाहिए जनरेटर के अकॉर्डिंग तो हम लोग यहां पर एक गियर बॉक्स लगा देते हैं ताकि हमारा जो टर्बाइन का RPM जो है वो रिड्यूस करके मिले जनरेटर को। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे गियर बॉक्स करके कपल कर दिया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक आपको गियर टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको स्पीड मेजरमेंट गियर कहते हैं। ओके, इसी के द्वारा आपका टर्बाइन का क्या रोटेशन है, क्या RPM है, कितने RPM में वो घूम रहा, इसके मदद से यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उसके मदद से आपको रोटेशन जो होता है वो ट्रांसमीटर में या आपके DCS में शो करता है। ओके, तो ये हो गया स्टीम टर्बाइन के मेन कंपोनेंट्स के बारे में। तो आई होप कि आज का जो ये वीडियो था वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।